माइंडफुल इटिंग के महत्व के बारे में ग्राहकों को जागरूक करने के उद्देश्य से आमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया में आज प्रायोरिटाइजिंग माइंडफुल इटिंग द न्यू मंत्रा फॉर होलिस्टिक फैमिली हेल्थ की ओर से एक सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी ने बोला, अपने परिवार और खुद के स्वास्थ्य के लिए हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम घर पर किस तरह की जीवन शैली और खान पान की आदतें अपनाते हैं। ऐसी कोई भी आदत जो आपकी सेहत के लक्ष्य को पूरा नहीं करती, उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए और इससे भी अच्छा है कि उसे किसी सेहतमंद या अच्छी आदत में बदल देना चाहिए। वैसे आमंड्स तो हम सब जानते हैं फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि बादाम खाने हैं आपको, 5 बादाम सुबह खाने हैं उठ के। ये एक ट्रेडिशन इंडिया में चला आ रहा है बहुत सालों से, सेंचुरीज से, तो ये हम जानते हैं कि बादाम बहुत हेल्दी है। बट अगर आप स्पेसिफिकली पूछें कि बादाम किस चीज़ के लिए अच्छा है, बहुत चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को, आपके HbA1c को कम करता है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये टोटल कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जिंक है, कॉपर है, फोलेट है, विटामिन ई है जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो बहुत अच्छा है आपके इम्यूनिटी के लिए। वेट लॉस में तो मदद करता ही है, क्योंकि अगर आप कोई, आप समझिए आप स्नैकिंग कर रहे हैं या कुछ भी फ्राइड तलावा फरसान आप ये खाते हैं, उसको अगर आप रिप्लेस करके एक मुट्ठी भर बादाम खाएं रोज़, तो वो आपको फुल रखेगा, आपको न्यूट्रिएंट्स देगा और आपके वेट लॉस में मदद करेगा। सो वेट लॉस और ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा, स्पेशली बच्चों के लिए, ऑफिस गोअर्स के लिए, जो लोग को टाइम नहीं मिलता है कुछ बनाने का, तो बहुत इजी स्नैक है, आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं एक डब्बे में एंड आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे बादाम के। बादाम हीटेड नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा आपकी बॉडी में। यस, नट्स है तो हैवी होते हैं, एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। तो आप अगर मुट्ठी भर खाएंगे, विच इज़ अबाउट 23 आमंड्स अ डे, तो आपको कुछ नहीं होगा और एक्सेस में आप खा भी नहीं पाएंगे, बिकॉज बिकॉज इसमें इतना फाइबर होता है, आप एक टाइम पे आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, आप 5-10 से ज़्यादा यू विल बी लाइक आई एम गुड, मुझे बस है इतना। तो एक्सेस का कुछ भी आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप एक मुट्ठी भर दिन में खाते हैं सो देयर इज नथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपको बहुत हीट का तकलीफ लगता है तो आप उसको भिगा के खा सकते हैं, बट चॉइस इज योर्स, बट बादाम ज़रूर खाइए। किंग्स कॉलेज लंदन द्वारा कराए गए एक शोध में पाया गया है कि बादाम को टैंक के रूप पर मानसिक तनाव से लड़ने की कोशिश में रेट की रफ्तार में सुधार किया जा सकता है। माइंडफुल स्कैनिंग के लिए पोषक तत्वों से भरपूर बादाम, कई तरह के फल और सब्जियों को लेने की सबसे ज्यादा सलाह इस दौरान दी गई। आज कैलिफोर्निया एलमंड्स की प्रेस यहाँ पे हुई है, उसकी यहाँ पे जो है हमें बहुत सारे अच्छे फ़ायदे बताए गए और हमारे साथ है जानी मानी टीवी एवं फिल्म एक्ट्रेस मृणाल कुलकर्णी हमारे साथ है। उनके जो उनका सौंदर्य है उससे तो हम सभी परिचित है, आज भी जैसे कि वैसे वो दिखती है, इसका राज क्या है हम सबसे पहले उनसे जानेंगे और बाद में उनसे पूछेंगे कि उनका लाइफस्टाइल कैसे रहता है, दिन भर का शेड्यूल कैसे रहता है। स्वास्थ्य, अपना मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, अगर हमें तंदुरुस्त रहना है और खुश रहना है तो कुछ चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों से शुरुआत करूँगी, बच्चे वही खाते हैं जो आप खाते हो, वो बच्चे जब माँ के शरीर के अंदर होते हैं तब से शुरू होता है ये प्रोसेस कि माँ जो खाती है वही बच्चा खाता है और उसी से उसकी हेल्थ बढ़ती है, अच्छी रहती है, सेहत ठीक रहती है। तो माँ अगर सही खाना खाए तो बच्चा भी सही खाना सीखेगा। अगर फादर उसके बोले, बच्चे के बाप बोले कि मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये अच्छा है लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, तो बच्चे भी वही आपको कारण देंगे। दूसरी चीज़ है, बच्चों को टीवी देख के खाना खाने की आदत बिल्कुल मत डालिए। यू शुड स्मेल गुड फूड, यू शुड सी गुड फूड, और लगना चाहिए, हम मराठी में बोलते हैं ना, अन्न है पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे, खाली पेट भरना ये काम नहीं है हमारे खाने का, वो एक याग है, यज्ञ है, ये सोच के खाना खाना चाहिए। और मुझे लगता है कि यज्ञ में जैसी आहुति डाली जाती है वो अच्छी होती है, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं लोग, उसी तरह से हैंडफुल ऑफ बादाम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। हैंडफुल का मतलब है आपकी मुट्ठी में जितने आते हैं, जब आप बच्चे हो तब आपकी मुट्ठी में जितने आते हैं, बड़े हो जाते हो तब आपकी मुट्ठी में जितने आते हैं, तो एक 15-20 बादाम आकर पूरे दिन में आप खा लें, आपके साथ रखें, आपके बैग में रखें, जब भी भूख लगे तब बादाम खाएं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो आपका सौंदर्य है इसका राज भी कहीं बादाम ही तो नहीं है। अभी आपने कहा था कि मैं दिन भर में बादाम खाती हूँ, तो किस तरह से आप बादाम का मतलब सेवन करती है और क्या बताना चाहोगे खासकर नागपुर वासियों को?
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि आमंड भिगो के मैं खाती हूँ सुबह, और कितने सारे फ्लेवर्स आते हैं, हनी है, पेरी पेरी है, मसाला है, फ्राइड आमंड से, आप इनमें से कुछ भी खा सकते हो रॉ आमंड से तो एनी फॉर्म यू कैन कंज्यूम आमंड्स। और खूबसूरती का तो मैं कुछ बता नहीं सकती, एक तो गॉड हैज़ बीन काइंड, और दूसरा स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो वॉट एवर फॉर्म बट यू मस्ट एक्सरसाइज 30-35 मिनट्स अ डे, तो आपके चेहरे पे वो खुमार आ जाता है, यू लुक हेल्दी, यू फील हेल्दी। थैंक यू। तो हमारे साथ मृणाल कुलकर्णी थी और उन्होंने बताया कि जो बादाम है वो बादाम खाने से सेहत तो अच्छी रहती है, उसके साथ ही बादाम जो ये बहुत पौष्टिक होते हैं, तो ये खाना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।